जब प्रियंका गांधी बात करती हैं और दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बयान सुनती हैं, तो फिर वो कहती हैं कि कोई गर्मी निकालने की बात कर रहा है, कोई चर्बी निकालने की बात कर रहा है, और कांग्रेस भर्ती निकालने की बात कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय यही बातें होनी चाहिए। अब ये लोग कह रहे हैं कि कोई जल्दी निकाल रहा है, कोई जल्दी निकाल रहा है, हम कह रहे हैं भर्ती निकलवाओ, है ना। ये नौजवान तमाम पड़े हुए हैं बेरोजगार, भर्तियां पड़ी हुई हैं, 12 लाख खाली पद पड़े हैं सरकार में। और यूपी चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अलीगढ़ में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। इस रोड शो में काफी भीड़ थी और काफी लोग उनको नजर आए। अब ये अलग बात है कि वोट कितने मिलेंगे। डोर टू डोर कैंपेन के अलावा प्रियंका गांधी ने बाजारों में भी लोगों से मुलाकात की। मिशन यूपी में प्रियंका गांधी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है और पूरा जोर लगाया है। अब कितनी कामयाबी कांग्रेस को इस बार मिलती है, ये अलग बात है। तो ये अलग अलग तस्वीरें प्रियंका गांधी की, अलीगढ़ के दौरे पर थी वो, लोगों से मुलाकात की, रोड शो किया। और यूपी में एक तरीके से फिलहाल प्रियंका गांधी जिस तरह से कोशिशें करती नजर आ रही हैं, उनकी पार्टी के और दूसरे बड़े नेता उतनी मेहनत शायद कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे, ये अलग बात है। लेकिन हाँ, प्रियंका गांधी लगातार अपने प्रचार को तेज कर रही हैं।